शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर है, माफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर की कार्रवाई नॉनस्टॉप लगातार जारी है। गुड मुस्लिम के घर पर बुलडोजर एक्शन। उमेश पाल हत्याकांड पर लगातार कार्रवाई जारी है। उमेश पाल हत्याकांड में बमबाजी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। धूमनगंज थाना क्षेत्र में एक्शन लगातार जारी है। अतीक के करीबी के घर पर बुलडोजर चला। और आपको ये बता दें कि इस केस को लेकर एक के बाद एक परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं और इसी को लेकर अब सरकार का भी एक्शन शुरू हो गया है और पुलिस का भी। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। माफिया के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। बुलडोजर की कार्रवाई नॉनस्टॉप चल रही है। गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चला और अब से पहले भी अतीक के एक करीबी के घर पर बुलडोजर चल चुका है। अवैध तरीके से उसका निर्माण कराया गया था। उमेश पाल हत्याकांड पर कार्रवाई लगातार जारी। उमेश पाल हत्याकांड में बमबाजी कर रहा था गुड्डू। धूमनगंज थाना क्षेत्र में एक्शन है। अतीक के करीबी के घर पर बुलडोजर चला। हालांकि यह दूसरा मामला है जो अतीक के करीबी के घर पर बुलडोजर चला, अवैध तरीके से निर्माण किया हुआ था। हालांकि अब से पहले जो अतीक के करीबी के घर पर बुलडोजर चलाया गया था उसमें से कई ऐसे दस्तावेज मिले थे, कई ऐसी चीजें मिली थी जिसको लेकर शक हुआ था और उस घर का जो बिजली का बिल आता था वो अतीक की पत्नी के नाम से आता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का घोटाला और किस तरीके का घालमेल किया गया था। धूमनगंज थाना क्षेत्र में एक्शन लगातार जारी है। बाबा का बुलडोजर चल रहा है और बाबा का बुलडोजर अपराधियों के ठिकानों पर चल रहा है, अपराधियों के आशियाने पर चल रहा है, अपराधियों के अवैध निर्माण पर चल रहा है बाबा का बुलडोजर और एक्शन लगातार जारी। हालांकि जिस तरीके से कहा भी गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद भी कहा था किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, सबको मिट्टी में मिला दिया जाएगा माफिया को। ये देखिए तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर। तीन तस्वीरें, पहले दिन की कार्रवाई जो कि बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है, दूसरे दिन की कार्रवाई इसमें भी बुलडोजर चल रहा है, तीसरे दिन की कार्रवाई इसमें भी बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए तीनों अलग अलग घर हैं और इन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है बुलडोजर के जरिए। जिस तरीके से इलेक्शन से पहले भी एक नारा बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आपने देखा होगा, बाबा का बुलडोजर, और बुलडोजर चलता हुआ कई जगह पर नजर भी आया था। हालांकि मुख्यमंत्री के मुंह से भी ये बात सुनी गई थी कई बार, बाबा का बुलडोजर, क्योंकि माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। जहां जहां पर ये बुलडोजर चल रहा है वहां पर माफियाओं के द्वारा ये अवैध निर्माण कराए गए हैं। प्रयागराज से राघवेंद्र मिश्रा संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। राघवेंद्र, बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है, पहले दिन की कार्रवाई दूसरे दिन की और तीसरे दिन की लगातार हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, जो है काजल आपको बता दें जिस प्रकार से बाबा का बुलडोजर माफियाओं पर, गैंगस्टर में जो प्रयुक्त व्यक्ति हैं, गुंडा माफियाओं पर लगातार चल रहा है, क्योंकि बाबा ने सदन में सीधे तौर पर कहा था कि माफियाओं को मिट्टी मिला देंगे। मिट्टी मिलाने का लगातार जारी है, क्योंकि जिस प्रकार से अरबाज का जो है इनकाउंटर किया गया, मुठभेड़ में उसको मारा गया, उसको मिट्टी मिलाया गया, उसके बाद लगातार जो अतीक अहमद का सीधा इस जो है उमेश पाल हत्याकांड में सीधा नाम जुड़ा, उसके परिवार का नाम जुड़ा, साबरमती जेल से लेकर बरेली जेल से लेकर प्रयागराज में इस घटना को वारदात कारित किया गया, उसको लेकर पूरी तरह से योगी सरकार सख्त है अतीक अहमद को लेकर, क्योंकि अतीक के गुर्गे इस कारनामे को अंजाम दिए, इस बड़ी हत्याकांड को अंजाम दिए हैं। इसको लेकर पूरे प्रयागराज सहित पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से दहशत और सनसनी फैली थी, कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठे थे, योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे, उसको लेकर बाबा को एक प्रकार से झटका भी लगा था। इसलिए वो क्रोधित होकर आक्रोश में आकर सीधे सदन में कहा था कि माफियाओं को, गुंडों को, बदमाशों को, हत्यारों को मिट्टी मिला देंगे। तो मिट्टी मिलाने का लगातार जारी है, क्योंकि तीन दिन से लगातार बाबा का बुलडोजर गरज रहा है प्रयागराज में, क्योंकि अतीक अहमद के जो भी करीबी रिश्तेदार रहे हैं, करीबी गुर्गे रहे हैं, उनके घरों पर लगातार तीन दिनों से बुलडोजर गरज रहा है, पीला पंजा देखने को मिल रहा है। दो दिन की कार्रवाई के बाद, दो दिनों से कल और परसों के बाद आज भी जो है जो गुड्डू मुस्लिम है जो इस घटनाक्रम का बमबाज था, दहशत फैला रहा था धूमनगंज इलाके में, जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो है बम मार रहा था, वो बता रहा था कि प्रयागराज में पूरी तरह से दहशत का माहौल है और बमबाजी के माध्यम से बता रहा था पूरे प्रयागराज वासियों को कि योगी सरकार को हम निशाने पर ले रहे हैं, कानून व्यवस्था उसके लिए नगण्य है, उसके लिए बिल्कुल बेकार है कानून व्यवस्था। बमबाजी करने वाले व्यक्ति का पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह से उसको चिन्हित किया, हालांकि चिन्हीकरण का काम जो मकान है इसमें 40 व्यक्ति जो अतीक के करीबी
निकले हैं, माने गए हैं, उन पर भी कार्रवाई लगातार जारी होगी। क्योंकि आज तीसरे दिन गुड्डू मुस्लिम का जो आलीशान मकान चकिया में बना हुआ है, इसकी कीमत करोड़ों में की गई है, आज जो है अभी अभी बाबा का बुलडोजर उसमें गजना शुरू कर दिया है। पीडीए के अधिकारी, पुलिस प्रशासन की फोर्स मौके पर पहुंची हुई है और इससे सीधा संदेश जा रहा है पूरे प्रदेशवासियों को कि अगर बाबा का बुलडोजर लगातार उन पर जो है शिकंजा कस रहा है, हाँ। कि अपराधियों को, माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। जी काजल, राघवेंद्र, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को लूटा गया है, अवैध पैसों से ये निर्माण किया गया है, अवैध संपत्ति से इन बिल्डिंग को खड़ा किया गया है, तो ध्वस्त होना ही चाहिए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अवैध तरीके से लूट मार करके रंगदारी वसूल के जो अति के गुर्गे थे, लगातार वो रंगदारी वसूल रहे थे अपने जो है गुंडागर्दी के बल पर, अपने माफिया गिरी के बल पर, क्योंकि उनका साम्राज्य प्रयागराज में पूरी तरह से कायम था। प्रयागराज नहीं बल्कि अन्य जनपदों में अतीक का एक नाम था, उनको बाहुबली के नाम से जाना जाता है। तो उनके गुर्गे उनकी आड़ में लगातार वसूली करते थे, अवैध धंधा कारोबार करते थे, अवैध तरीके से जो बिल्डिंगें बनाई गई हैं, करोड़ों की बिल्डिंगें बनाई गई हैं, उसको पीडीए पूरी तरह चिन्हित कर रहा है। क्योंकि हत्याकांड ये बहुत बड़ी वारदात हुई है प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर, तो अवैध संपत्ति को लगातार गिराया जाना भी चाहिए। क्योंकि जनता की यही मांग है कि अगर इनके जो वृक्ष बट वृक्ष, जिसको मान लिया जाए कि अतीक अहमद बट वृक्ष है, और इनके टहनी और डालियां हैं, अगर टहनी और डालियों को नहीं काटा जाएगा तो लगातार ये पनपते रहेंगे। इस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। आपको एक बात और बता दे काजल की एक हफ्ते हो गए, आज आठवां दिन है उमेश पाल हत्याकांड को लेकर। पुलिस ने जिस प्रकार से 6 अपराधियों को चिन्हित किया, जो शूटिंग कर रहे थे वहां पर, मौके वारदात पर शूट कर रहे थे, उमेश पाल को हत्या किया, उसकी जो है मर्डर किया, उसको जो मुख्य रूप से गवाह था, अभी तक एक भी जो है शूटर गिरफ्तार नहीं हुए। तो एक सीधा सवाल विपक्ष के माध्यम से या लोगों के माध्यम से भी उठ रहा है कि योगी सरकार भले ही जो है बुलडोजर के माध्यम से उसके करीबियों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही हो, उनके अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर रहे हो, किंतु अभी तक जो है एक हफ्ते हो गया है, कोई भी शूटर, कोई भी हत्यारा गिरफ्तार नहीं हुआ, उसको जमीन निकल गई कि आसमान निकल गए। लगातार सवाल उठ रहे हैं कानून व्यवस्था पर, क्योंकि 8 दिन हो गए हैं, ये सवाल लाजमी भी है और जायज भी है। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर लोगों में थोड़ा सा संतुष्टि है, उमेश पाल के परिवार को भी थोड़ा संतुष्टि है कि ठीक है, बाबा जी पर हमको भरोसा है, न्याय पर भरोसा है, कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। किंतु पुलिस और एसटीएफ पर सीधा सवाल उठ रहा है कि अभी तक एक हफ्ते बीतने के बाद आखिर अपराधी कहां गए, पुलिस के गिरफ्त से बाहर क्यों है। जी काजल, शुक्रिया राघवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सवाल सरकार पर भी उठते हैं, क्योंकि अभी तक शूटर्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बुलडोजर भले ही चलाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार हफ्ते से ज्यादा हो चुका है इस केस को, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं लेकिन शूटर्स अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं।